गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मार्केट ज्ञान के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पिछले एक महीने में रिलायंस पावर में तेजी के कारण को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही अगर आपने लोअर लेवल पर शेयर को बाई कर रखा है तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से शेयर में सपोर्ट और रेसिस्टेंस की चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले कंपनी के रिटर्न्स पर नजर डालें तो शेयर ने पिछले 5 साल में लगभग 93% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर ने लगभग 40% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और वहीं पिछले एक महीने की बात करें तो शेयर ने लगभग 70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस तेजी का मुख्य कारण सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर पावर सेक्टर में 90,000 करोड़ के पैकेज को माना जा रहा है, जिसके बाद से पावर सेक्टर के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं 19 जून 2020 को NSE पर शेयर ₹3.15 पर अपर सर्किट में ओपन हुआ और ₹3.15 पर ही क्लोजिंग आई। डिलीवरी पोजीशंस पर नजर डालें तो क्वांटिटी ट्रेडेड 12,59,695, डिलीवरेबल क्वांटिटी 12,59,695 और क्योंकि शेयर पूरे दिन अपर सर्किट में फ्रीज था तो डिलीवरी परसेंटेज 100% है। चार्ट पर नजर डालें तो शेयर अभी ₹3.15 पर ट्रेड कर रहा है। शेयर का 52 वीक लो ₹1 और 52 वीक हाई ₹5.70 का है। 26 मार्च 2020 को शेयर ने अपना 52 वीक लो बनाया था, जिसके बाद से शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है और शेयर अभी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस की बात करें तो शेयर में अगला रेसिस्टेंस ₹3.70 पर नजर आता है और अगर शेयर ₹3.90 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह अपना 52 वीक हाई तोड़ देगा। नीचे की तरफ ₹2.50 पर एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है। करेंट लेवल पर शेयर में फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।